तर नक्कीच आपण बघितलं यंगस्टर पापडी यांच्याकडून एक मॅसेज आलाय नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळासाठी की यंगस्टर पापडीच्या संघाला दोन वेळा मॅनेज केल्याबद्दल नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचे आभार व्यक्त करतायत गणेश काकड अँड कंपनी. तर पुन्हा एकदा आपण नेहमीच सपोर्ट करणारं नारंगी क्रीडा मंडळ, नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ आपण बघतोय आणि गणेश काकड यांनी सुद्धा त्यांचे आभार मानलेले आहेत की त्यांना जे सहकार्य त्यांच्या संघाला केलं त्याबद्दल. तर आता सामना चालू आहे तो म्हणजे आपण बघितलं तर एस एस क्लब अर्नाळा किल्ला आणि त्याच्या विरुद्ध आहे शिरगाव इलेव्हन. बॅटिंग जागृत आणि हर्षद आपण अर्नाळा किल्ला या संघाकडून पाहू शकतो. सलामीचे फलंदाज तर शिरगाव संघाकडून गोलंदाजी, मार्क वरती गोलंदाज पाहायचा आहे महेश. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू ऑल द बेस्ट दोन्ही संघाला. फुट यावेळी बघायचा आहे हा चेंडू लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. अपील मात्र जरूर केला होता बाईचा इशारा पंचांकडून एक धाव मात्र पूर्ण. एस एस क्लब अर्नाळा किल्ला आणि समोर आहे तो म्हणजे आपण बघितलं तर एका साईडला शिरगाव इलेव्हन. दोन संघांमध्ये लढत आपल्याला पाहायला मिळतंय. तीन षटकांचं क्रिकेट आणि या तीन षटकामध्ये किती धावा आपल्याला पाहायला मिळतील हे पाहणं फार जरुरी आहे. चांगलं आयोजन, चांगलं नियोजन, संपूर्ण वैविध्यपूर्ण असलेली स्पर्धा. ओहो ऑफस्टंपच्या बाहेर यावेळी आपण बघितलं तर फलंदाज थोडासा भरकटलाय, आपल्या दिशेवरती नियंत्रण नाहीये आणि चेंडू गेला ऑफस्टंपच्या बाहेर व्हाईट साठी. चला आमचे मित्र जहीरभाई आलेले आहेत त्यांच्याकडे आपण जाऊया आणि जहीरभाई यांना पुन्हा एकदा संधी देऊया. शुक्रिया विजय पाटील. तीन रन बनते हुए अगली गेंद बल्लेबाज के लिए आती हुई ऑफस्टंप पर सफल हुए. गेंद को फेंक दिया ऑन साइड स्क्वायर पर. गेंद जा रही है वन बॉल्स सीमा रेखा के बाहर. चार रनों के लिए फरार. बेहतरीन चौका दावा. अर्षदा जागरूक बैटिंग पर है. सलामी छोड़ी के लिए आए हैं एस एस अर्नाळा किल्ले की जानी से. ये बल्लेबाजी एक तरफ शिरगांव फील्डिंग करते हुए नजर आई है. स्कोर जहां पहुंचता हुआ सात रनों पर बिना कोई नुकसान के. पहला ओवर भगती पर चलता हुआ और गेंदबाज अभी तक महेश गेंदबाजी पर है. हेलो महेश गेंदबाजी पर अगली गेंद फेंकने तैयार. रिवर्स के अंदाज में खेले जाते हैं. अंपायर के पास अपील की गई मगर अंपायर वहां पर नकार. बैट पर गेंद लगकर शॉट थर्ड मार पर गई है. एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा हुआ आठ. हर्षद स्ट्राइक पर अगली गेंद खेल तैयार. महेश गेंदबाजी पर तैयार है. आउटसाइड पर गेंद को खेला है और एक लाजवाब मिड विकेट पर कैच. बल्लेबाज गॉन. विकेट गिर गया पहला. एस एस इलेवन टीम के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका. बल्लेबाज गॉन.
शुरू एक बड़ा मुकाबला इस मैदान पर थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ, मगर और एक बेहतरीन बल्लेबाज मैदान पर झांकी लो रहे हैं। मगर ये मुकाबला एक तरफ आप देख रहे हैं तो शिरगांव और एक तरफ एसएस अनारा किला की तरफ ये टीम के नाम से लड़ती हुई टीम बल्ले बल्लेबाजी करती हुई अनारा किला टीम। एक बड़ा मुकाबला अगली गेंद मैच किस मैदान पर नहीं बैटर खेला है वह कवर पर खिलाड़ी वहां पर थोड़े से दूर होते हुए और गेंद लॉन्स में गिरेगी थर्टी सर्कल के अंदर खबर के क्षेत्र में और एक रन के साथ बल्लेबाजों ने अपने खाते को ओपन किया टीम को पहुंचाया नौ रनों पर। निशान नौ स्ट्राइक पर आया है झगड़े स्ट्राइक पर अगली गेंद से तैयार बेहतरीन गेंदी बैकफुट पर जाकर कवर और पॉइंट ढूंढना चाहते थे सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहली ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अब आने वाली 12 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है एसएस 11 अनारा किला की टीम के लिए। शिरगांव टीम पहले फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है और तमाम खिलाड़ी सितारों ने एक बेहतरीन अंदाज में इस ग्राउंड को सजाया मेहनत की और बाकी में किसकी मेहनत आज की रात इस मैदान पर रंग लेकर आएगी। रौनक गेंदबाजी पर आए हैं निशान स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार रौनक की बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर अगली गेंद निशान के लिए आती हुई ऑप्शन के बाहर गेंद वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आया है स्कोर में बहुत ही स्कोर जाप होता है 1-0-10 10 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर एस एस अनारा किला 11 टीम की अच्छी गेंद आउटसाइड खेलने जा रहे थे गेंद शरीर को लेकर गेंद पास के हाथों में आती हुई डॉट बॉल गेंद थोड़ी खिलाड़ी को लगी है देखना होगा कोई खिलाड़ी इंजर्ड ना हो एक बेहतरीन मुकाबले हैं चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला साई चानारा और रुपेश इलेवन नायगांव धोनी कर्णधारा ने तुरंत टॉस कर दिया फिर से मुकाबले की तरफ चलेंगे मुकाबला ऑन होने जा रहा है इशाद के लिए अगली गेंद आउटसाइड खेलने जाते हैं फिर से गेंद शरीर को लगी है अब गेंद बास के हाथों में गेंद मगर एक रन निकालेगा लेग बाय का इशारा बाद द्वारा अच्छी गेंद शिफ्ट कर दिया गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल हो रही है जब तक इनको फील किया जाएगा एक ही रन से संतोष दोनों खिलाड़ी लाजवाब फील्डिंग देखिए ताली बजनी चाहिए खिलाड़ी के द्वारा
स्कोजा बोसावा खियारा एसएस 11 अर्नाला किले टीम का रौनक गेंदबाजी बारे अगली गेंद फिर तैयार निशान स्ट्राइक पर अगली गेंद के तैयार हो जाएंगे आउटसाइड खेलने चाहते थे अपील हुई अंपायर से नकारा गेंद जारी पॉइंट का रिथम रन आउट का मौका बैक का भय वहां पर लेग बाय का इशारा इस एक रन के साथ इसको जा पहुंचा वहां तेरह रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं इसलिए अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप पर गेंद को खेला डीम्स को पर से खिलाड़ी आएंगे गेंद को कलेक्ट कर पाएंगे जब तक गेंद कलेक्ट होकर थ्रू आएगी रन आउट का मौका बन सकता है बैकअप होना चाहिए तीसरे रन की मांग है देखिए प्रेशर में आप बैकअप नहीं तो आपका पैकअप भी है इस मैदान पर बैकअप होना बहुत जरूरी है इस तीन रन के साथ इसको जाप होता हुआ 16 रनों पर पांच गेंदों का खेल मैदान पर हुआ आखिरी गेंद रहना बाकी एक तरफ शीरगांव तो एक तरफ है एसएस अनारा खिल्ला टीम दो हाथ करती हुई दूसरे फेरी का यह मुकाबला चलता हुआ तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शक और तमाम हमारे डीवीएन लाइव के तमाम दर्शकों के लिए रिवर्स के अंदाज में खेलने के बल्ले और गेंद का कोई समय नहीं ओवर नंबर दो का खेल समाप्त रन संख्या है 16 8 के रनर से बल्लेबाजी हो रही है नजर आ रही है मगर आने वाली ये तमाम 6 गेंदें क्या गेंदबाज या फिर बल्लेबाज सलाह धोनी कर्णधार आपल्याला विनंती करू जाते रूपेश इलेवन नायगाव साईशच्या अनाळा कर्णधार आपण तुम्ही टॉस साठी या अभी भी डीवन लाइव पर तमाम हमारे दर्शक 525 जन लाइव है और तमाम दर्शकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है चलिए दर्पण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदे राइट ओवर से गेंदबाजी करने के तैयार शॉर्ट गेंद थी ऑन साइड खेलना चाहते बैट कट पीछे का हासिल कर गेंद थर्ड बाय पर ट्रैवल हो रही है जब तक गेंद को फिर करके थ्रू आएगा विकेट कीपर के दस्ता में रन आउट का मौका है बल्लेबाज गोन न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हो रहे हैं एसएस अनारा खिला इलेवन टीम के जानी से ये दूसरा विकेट गिरता हुआ नजर आया एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट खड़े स्ट्राइक लेने चाहते थे मगर वहां पर बेहतरीन थ्रो आता हुआ शॉर्टमैन थर्ड मैन पर गेंद को रोका गया विकेट कीपर ने आगे का काम बेहतरीन अंदाज में पार किया काम को अंजाम देते हुए नजर आए बेहतरीन गेंद की अपील की गई है रन आउट का मौका है और एक बल्लेबाज को गोंद लौटना पड़ेगा मैदान के बाहर और एक विकेट का पतन होता हुआ हे प्रभु हे जगन्नाथ ये क्या हो गया रे
आउट साइड खेलने का इलेक्शन के बाहर गेन व्हाइट का इशारा पा द्वारा आता हुआ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जहां बहुत हुआ 18 रन पर। चार गेंदों का खेल आना बाकी है। धरपन आया गेंदबाजी करने के लिए। दुर्गेश अगली गेंद खेलते यार निशान है वहां पर शेंजे पस्ती खेत को खेला हवा में खिलाड़ी है कैट ड्रॉप दूसरे रन के लिए निकलेंगे और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी आना बाकी है। बेहतरीन बल्लेबाज निशांत गेंदबाज बल्लेबाजी पर है धरपन गेंदबाजी कर रहे हैं लिक्सम के बाहर गेंद वाइट का इशारा आता हुआ बेहतरीन शॉट है गेंद को खेला आउटसाइड पर गेसी मारे के बाहर सो ब्यूटीफुल सिक्स लाजवाब अंदाज में इस मैदान पर बल्लेबाज के द्वारा और ये शेर इनके के साथ अब ताली गुजी है मैदान पर गुस्ता हुआ नजर आएगा यह मुकाबला भी ये मुकाबला क्रिकेट की मेजबानी है फुल टॉस गेंद थी फिर गेंद को मोड़ा आउटसाइड पर खिलाड़ी मिड विकेट पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाएंगे दो रन पूरे किए जाएंगे अब यहां पर ताली बज रही है देखिए बल्लेबाजी का जलवा शुरू हो चुका है और कौन कहता है कि नारंगी के मैदान पर रात के समय में सीख नहीं लगते आपकी क्षमता ताकत इस मैदान पर निगाह टाइमिंग गेंद सी मारे बगा भी देखेगी और इससे पहले मुकाबले में आपने देखा है चेंजपसी अपील की गई स्टंप के सामने पकड़े गए और एक बड़ा विकेट की दावा चलिए दोस्तों एक बड़ा मुकाबला चला धोनी कर्णधार टॉस कर दिया प्लीज ये तो झांकी है अभी तो पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्त एक लाजवाब मुकाबले है तो क्या बल्लेबाज ने बल्लेबाजी का जलवा किया और हकीकत में इस मैदान पर अब ये तो झांकी है पिक्चर अभी आना बाकी है चलिए दोनों टीमों में टॉस रूपेश इलेवन नायगांव बना महेश मांगरा सर जी के द्वारा हमारे सभी के क्षेत्र लाल एक बेहतरीन नारंगी के आदेश बेहतरीन व्यक्ति
सबसे बेहतरीन स्कोरर हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इतांशु है वहां पर, हमको पता नहीं था। इतांशु बहुत ही बेहतरीन गुना लेखक हमारे। चलिए दोस्तों, एक बड़ा मुकाबला, 18 गेंदे 10 के रन से बल्लेबाजी, शिरगांव टीम को जवाब देने का, ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, बल्लेबाज स्ट्राइक पर, बेहतरीन गेंद थी, स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, अगली गेंद, फिर से ऑप्शन के बाहर, गेंद वाइट का इशारा आया है, अर्शद गेंदबाजी पर है, अजय ये जोड़ी है। चलिए अजय और जय क्या मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखरेंगे, अभी भी 18 गेंद 28 रनों की दरकार है। शिरगांव इलेवन यस संगाला या सामना दिखना था, बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त, अजय के लिए अगली गेंद, स्ट्रेट डाइव खेल दिया, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली है, लंबाई कितनी होगी, मगर खिलाड़ी के हाथों में बड़ी मछली ही जाल में आती हुई, बल्लेबाज कौन, विकेट गिरता हुआ इस मैदान पर, बल्लेबाज अजय के रूप में, शिरगांव के टीम के उम्मीदों को यह लगता हुआ बहुत ही बड़ा झटका। छत्तीस न्यू बैटर मैदान पर आए हैं, आइए वहां पर धनंजय वाडिल खोपड़ी के बेहतरीन कॉमेंटेटर, बेहतरीन समालोचक, छत्तीस अगर सिक्सर लगाते हैं तो एक सिक्सर के लिए 1000 रुपए का इनाम आया है। खेला है गेंद लौंगों पर, गेंद हवा में, मगर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद लौंग में गिरेगी, जब तक गेंद को फील किया जाएगा 2 रन पूरे किए जाएंगे। अब जतीन स्ट्राइक पर आए हैं, बल्लेबाजी का जलवा इस मैदान पर दिखाना होगा, वरना आप जानते हैं कि कितने इंतजार की घड़ियां पलिया गिनने पड़ेगी और एक एक पल चुपता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट अगले साल आगाज की जाएगी, मगर 365 दिन के इंतजार के दरवाजे भी खटखटाने होंगे। फुल टॉस गेंद थी, तोहफा आया था, ये बल्लेबाज ने गवाया, ने देखना होगा अंपायर का इशारा, नो बॉल आया, 1+1, तो चलिए अगली गेंद, बल्लेबाज जय के लिए होगी फ्री हिट, ये टूर्नामेंट है सुपर हिट, एक लाइसेंस मिला है, मगर वहां पर जय क्या कर पाएंगे, जय अब स्ट्राइक पर है, जतीन नॉक स्ट्राइक पर आएंगे, मगर वाकई में ये इस गेंद पर अगर सिक्सर बन गया तो ये मैच बनाने का मौका भी मिल जाएगा शिरगांव टीम के लिए, मगर गेंदबाज करने देंगे, बल्लेबाज करेंगे, उगा डोए पानी पुरसा चेंडू है फ्री हिट, अगली गेंद, मंकी का विकेट लेने गए गेंदबाज, हे प्रभु ये क्या कर दिया गेंदबाज है, मगर अब आने वाली मुकाबले में लड़ना होगा, गेंदबाज को फ्री हिट है, बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमें जानती है कि हमने सुबह से इस मैदान पर कदमों को लाया, इस रात के समय इस मुकाबले को बनाना है। आउटसाइड पर गेंद को खेला जाए, आउटसाइड में विकेट पर गेंद जा रही है, जब तक गेंद को फील किया जाएगा, दूसरे रन की मांग है, मगर मना किया, अब स्ट्राइक पर है जतीन, उनके लिए इनामों की राशि आई है धनंजय पाटिल सर जी के द्वारा, एक सिक्सर के हकदार बनेंगे तो 1000 के भी हकदार बनेंगे, मगर करना होगा जतीन को, कर दिखाना होगा,
बेहतरीन शॉट, गेंद बैक फुट पर जाकर गेंद को खेला, वाइड स्लॉन्ग पर गेंद को फील किया जाएगा, एक रन आसान से बुरा होता हुआ। आठ रन बने हैं, चार गेंदों का खेल मैदान पर पूरा हुआ है, मुझे आने वाली 14 गेंदें हैं और 22 रनों की दरकार है। जय स्ट्राइक पर अगली गेंद खेल तैयार, अर्शद गेंदबाजी पर है, रिवर्स के अंदाज में खेलने की अपील की गई मगर अंपायर ने कहा उसमें छोड़ की जा रही है, लेग बॉय का इशारा अंपायर द्वारा, इसके साथ एक रन के साथ 9 रन बने हैं, अब 21 की दरकार है, 13 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। जतीन के पास क्षमता ताकत है इस मैदान पर, किया है बल्लेबाज ने, मगर आज आपको करना होगा क्योंकि इस मैच में अगर कहते हैं ना इस मैदान पर लड़े नहीं तो हम इस मैदान से कायम नहीं, मगर आज लड़ना होगा, पसीने गवाने पड़ेंगे। शिरगांव टीम के बल्लेबाज जतीन और जय स्ट्राइक नॉक स्ट्राइक पर है, जतीन अगली गेंद खेलते यार, अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जवाब मिलेगा। अब गेंद है मैदान पर 13 और रन आने बाकी 21। इक्कीस रनों की दरकार है, 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। शिरगांव टीम या ऐसे जिले में अन्ना किला इस मैदान पर आगे जाएगी और उसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आपके सामने आने वाला है। साई चानारा और रूपेश इलेवन नायगांव दोनों में टॉस हुआ है, किसके झोली में वो टॉस किसके पक्ष में लगा है, कौन सी टीम बल्लेबाजी कौन सी टीम फील्डिंग करेगी ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर दोस्तों इस मैदान पर 12 गेंदे 21 की दरकार है, शिरगांव इलेवन या संगाला टीवी लाइव पर तमाम दर्शक जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया, विशेष में गेंद लॉन्ग पर आती हुई, गेंद को फील कर जाएंगे बल्लेबाज खिलाड़ी और एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या जा बढ़ती हुई 10 रनों पर, मजा आने वाली 11-20 ढूंढने हैं। जतीन के लिए अगली गेंद आती हुई, आउटसाइड खेले गए, स्विंग एंड मिस, बंदूक की गोली निकली वैसी गेंद विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छुपती हुई। क्रिकेट की बेसिक देखिए, हर गेंद आउटसाइड और शॉप सिक्स चौके नहीं लगा सक रहे हैं। अगली गेंद जतीन के लिए आती हुई, लो फुल टॉस गेंद थी, टैप किया, गेंद लॉन्ग पर आती है, जब तक गेंद को फील किया जाएगा एक रन पूरा हुआ, दूसरे रन की मांग है, निकले डाउन हैंड पर है, रन आउट का मौका बन सकता है, लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब रिलीफ के दोनों बल्लेबाजों को धरा, स्कोर होता हुआ 12। सिर्फ गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाती, माली सारे शेर का महबूब हो जाता, सिंगल डबल से भी काम चल सकता है दोस्तों। ये मैदान सिंगल डबल और आप क्रिकेट की बेसिक को नहीं बोल सकते हैं, क्रिकेट की बेसिक सिंगल और डबल है, लाजवाब मुकाबला आपको खेलना होगा। जतीन स्ट्राइक पर है मगर मैं कहूंगा कि जतीन जब तक है शिरगांव का टाइगर इस मैदान पर जिंदा है। अगली गेंद जतीन के लिए आती हुई, फुल टॉस गेंद है, गेंद को मोड़ा, आंसर मिड विकेट पर जा रही है, खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंद को फील किया जाएगा, एक रन मिलेगा, मटाली गीसी जूरा सब कुछ बजेगा, ये मैदान सर पर उठता है, गुस्सा है, लाजवाब मुकाबला है। अब गेंद है मैदान पर 8, रन आने बाकी है 17। खतरा किस में मंडलाएगा, एसएस 11 टीम या फिर इस मैदान पर शिरगांव, कौन सी टीम आगे जाएगी, इस खतरे को पार करेगी, आने वाला समय तय करेगा। जय स्ट्राइक पर अगली गेंद खेलते यार,
अगली गेंद जय की जाती हुई, अच्छी गेंद मगर ऑफ स्टंप को छोड़ के जाती हुई, शॉर्टमैन पर जा रही है, रन आउट का मौका बनेगा, बैकअप करना होगा, बैकअप नहीं तो आपका बैकअप भी है। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा आया है, एक रन कैसे भी आए रन आने चाहिए, मुकाबला हमें जीतने आए हैं, मगर गेंदबाज फील्डिंग देखिए, मैं गिरना भी जानता हूं, मैं खड़े होना जानता हूं, फिर गेंद को पकड़ के फेंकना भी जानता हूं। लाजवाब ये मुकाबले आपके देख रहे हैं, गेंद है मैदान पर, 7 रन आने बाकी है, 16। ये गेंद दोनों टीमों के लिए है विशेष, क्या इस गेंद पर जतिन जड़ जाएंगे छगा और इस मैच का रूपरेखा बदली जाएगी। सात गेंदे 16 रनों की दरकार है, दिल थाम के विरोध, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन करिए, मुकाबला ऑन है, बड़ा शॉट, इस मैच को रूपरेखा बदल जाएगी। गेंदबाज करने देंगे जतीत के लिए अगली गेंद, खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, गेंद आ रही है, देखना होगा खिलाड़ी है, ले लिया कैच, जतीत की खेली को विराम लगा दिया, यहां पर बैट में ट्विस्ट कहानी, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, इस लाजवाब मुकाबला है। छह गेंदे 16 रन का, नए बल्लेबाज कौन आएंगे, कौन अपनी टीम के लिए उभरता हुआ सितारा बन जाएगा, करना होगा, जानते हैं कि शीरगांव टीम लाजवाब है, मगर उससे लाजवाब यह मुकाबला है। ये मैदान आप देख रहे हैं नारंगी गांव में, नारंगी पाटिल परिवार के जाने से टूर्नामेंट का आगाज और एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है, मगर दोस्तों काम आ जाइए, जवाब मिलेगा ये 6 गेंदों पर, 16 रन चाहिए। प्रसाद आए हैं न्यू बैटर मैदान पर शीरगांव, या फिर आप देख रहे हैं SS11 किला और नौ टीम, एक लाजवाब दो हाथ कर रही है, दोनों टीम जानती है पैकेज की तरफ, आमने सामने बहुत बार खेला होगा, नारंगी का मैदान है, मगर ये मैदान ने क्या नहीं देखा आपको सबको बताए, 23वां साल है, बैक टू बैक विजेता इस मैदान पर नहीं हुआ है, मगर आज ये मैदान ने इतिहास रचा भी है, इतिहास को तोड़ा भी है, कर होगा इस मैदान पर अगली गेंद, पहली गेंद को फेंक दिया, आउटसाइड पर गेंद जा रही है, खिलाड़ी है, ले लिया कैच, जय की खेली को भी लगा दिया विराम, बल्लेबाज गोंद, क्या बात, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर है। अब और एक बल्लेबाज मैदान पर, 5 गेंदे 16 रनों की दरकार है, चलिए अभी भी मुकाबला ऑन है, पीछम गेंदबाजी पर आए हैं, अगली गेंद खेले तैयार, फुल टॉस गेंद थी, वहां पर गेंद बल्ले पर लगी है, विकेट कीपर ने आगे का काम किया, अंपायर की भी उंगली उठी है, बल्लेबाज आए बल्लेबाज गए, अब 4 गेंदे 16 रनों की दरकार है, ये मैच में ट्विस्ट कहानी आया है, मगर दोस्तों ये 4 गेंद में 3 गेंदों को सीमा रेखा दिखानी होगी, अभी भी मैच जिंदा है, बल्लेबाज को करने के लिए आना चाहिए, क्या इस मैदान पर आपने देखा है दिमाग की बत्ती को जलाना होगा, एक बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद का सम्मान है, बुरी गेंद का अपमान है, 4 गेंदे 16 रनों की दरकार है, yeah.
श्री न्यू बैटर मैदान पर आया है। चार गेंदे 16 रन है। लड़ना होगा, झगड़ना होगा, पसीने गवाने बनेंगे। स्ट्रेट ऑफ खेल दिया, लॉन्ग ऑफ मिडल पर खिलाड़ी है, ले लिया हैट्रिक पूरी होती भी। एक रन आउट है वहां पर, दो विकेट जरूर मिले मगर अब हैट्रिक पर है। चाहिए हैट्रिक होगी। अब तीन गेंदे, तीन सिक्स लगाने कौन आएगा। SS11 टीम इस मैदान अपने जलवे भी कर रही है गेंदबाजी में। बल्लेबाजी में तो जलवे दिखा है मगर आप गेंदबाजी में भी कहा है हम आए हैं। ये तमाम हमारी वीरार की नगरी अनारा के खिलाड़ी सिदार है, शीरगांव है, तमाम पालघर जिला की टीमें लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम नारंगी का समय नारंगी और पाटिल परिवार दे रहा है। आप खिलाड़ी ने इतनी मोहब्बत दी, उतना प्यार तमाम खिलाड़ी जनताओं को भी मिलता हुआ, और ऐसी हमारी जनता आप ऐसा ही प्यार देते रहे, कल का दिन इससे बेहतरीन अंजाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तीन गेंदे पर तीन गेंदों को सीमा रेखा दिखानी होगी। राजू न्यू बैटर मैदान पर है। फुटबॉल गेंद को मोड़ा ऑन साइड मिड विकेट पर। अब थोड़ा सा मुकाबला दूर, अब वन साइड होगा यह मुकाबला। दो गेंदे 15 रनों की दरकार है। 10 के रन से जाना था मगर क्या गेंदबाजी के जलवे बिगड़े गेंदबाजों ने। आखिरी दो गेंदे मैदान पर, खेल दिया लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर, गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। 100 ब्यूटीफुल सिक्सर आता हुआ खल्ला जवाब अंदाज में मगर भाई भाई ये सिक्सर आते आते आपने देरी कर दी। आखिरी गेंद है, एक गेंद 8 रन है, 9 रनों की दरकार है। बैट का एज लगा गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। हर मैच हार्ड लक टीम शीरगांव इखला जवाब आपने खेल खेला, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया आपका, हमारी नारंगी ग्राम नारंगी और पाटिल परिवार से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मैच के लिए SS11 टीम अन्ना किला टीम आपका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। चलिए नेक्स्ट मैच और एक बड़ा मुकाबला, रूपेश 11 नायका बना इस मैदान पर सही अन्ना। जब मैच की शुरुआत होगी माइक्रोफोन बनाएंगे धनंजय पाटिल।